बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम इन डेविद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं जनाब खैर खैरियत से। तो सबसे पहले तो हैप्पी रमजान टू यू ऑल। और वैसे तो ये है कि हल्की हल्की होती रहती है एक दो दिन छोड़ के, लेकिन अगेन आई एम फीलिंग दैट हब्स, जो कि मैं कुछ अर्से से फील नहीं कर रही थी, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ बाय हब्स, शायद इस वजह से कि खुल के जो है वो बारिश नहीं हो रही। ऐसे छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम हो जाती है, लेकिन खुल के एक दफ़ा बारिश हो जाती है ना, तो फिर वो ज़रा ये है कि ये जो हब्स है ना, ये ज़रा ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोबारा से हब्स हुआ हुआ है। खैर, अल्लाह पाक का शुक्र है ये जो भी है। और वो जो पीक गर्मी जो थी वो हमने ऑलमोस्ट गुजार ली है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट आगे भी। और आज जो है वो मैं निकली हूँ कुछ शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग एक्चुअली क्या है कि हमारी एक फ्रेंड है, उनका हैप्पी बर्थडे, और 14 अगस्त से रिलेटेड जो है वो कुछ सेल्स भी लगी हुई हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट सेल को भी जो है वो विज़िट किया जाए। तो अगर कि कुछ समझ में आ गया तो हम जो है वो शायद कुछ वहाँ से भी अवेल कर लें, लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो मेन है वो फ्रेंड का बर्थडे है, तो उनके लिए गिफ्ट जो है वो लेने हैं। तो बस चलिए मेरे साथ और व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जनाब कर लीजिए। सो माई फर्स्ट स्टॉप वॉज मेट्रो शूज़, और मेट्रो शूज़ पे अप टू 70% जो है वो ऑफ है। और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त इनके शूज़ होते हैं, हाईली 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 रिकमेंडेड, मुझे बहुत पसंद है इनके फुटवेयर्स, इनके पम्प्स जो होते हैं ना, जो आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। इवन यकीन करें, मतलब इनके जो सैंडल्स वगैरह है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। इवन अगर हम इनकी फैंसी कलेक्शन वगैरह भी देखें ना, क्वालिटी इज़ सुपर अमेजिंग, और प्राइजेस भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आपको कभी सेल मिल जाए ना, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, जो कि अभी मैंने भी की है। तो मेट्रो शूज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ये कोई प्रमोशन नहीं हो रही, मैं सिर्फ अपनी पसंद बता रही हूँ कि बहुत अच्छे जूते होते हैं इन लोगों के। और मैंने यहाँ से जो है वो अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है। यस, तो अभी मैं आगे चलती हूँ। तो जनाब मैंने कहा कि अलग अलग आउटलेट्स पे जाने से बेहतर है कि मैं मॉल आ जाऊँ, तो मैं माना मॉल आ गई हूँ, जो कि मेरे घर के नियरेस्ट मॉल है। और यहाँ पर ये यह है कि आपको सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, और हर जगह की सेल आप ईजीली जो है वो विज़िट भी कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेल लगी हुई है, तो बस अब मैं जो है वो विज़िट करने लगी हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे जो है वो क्या समझ में आता है और हम उसको फिर बाय करते हैं। वेल, इतना ज़्यादा घूमने के बाद लाइन लाइट से मुझे कुछ जो है वो मिल गया है। और दूसरी बात ये कि यही तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सेल में अल्लाह जाने कौन से सामान निकाल के ये लोग रखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। सेल आइटम्स पता नहीं कहाँ से इन लोगों के निकलते हैं, जो पहले छुपे हुए होते हैं, और जब सेल लगती है तो ऐसे आइटम निकाल के रखते हैं बाहर के, दिल ही नहीं करता है लेने को। वेल, मैं आ गई हूँ सईद गनी पे, और फ्रेंड का जो गिफ्ट है वो हम यहाँ से लेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा जनाब, तो मैंने जो है वो गिफ्ट ले लिया फ्रेंड का, और हमने यही सोचा था कि हम स्किन केयर की तरफ ही जो है वो जाएंगे, थोड़ा पर्सनल केयर की तरफ। और सईद गनी के फ्रेगनेंसेस भी इतने ज़्यादा ऑसम होते हैं, तो हमने फ्रेगनेंस भी जो है वो उसमें ऐड कर ली, और बस गिफ्ट जो है वो ले लिया वहाँ से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है, और हवा भी जो है वो चल रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम अभी फील हो रहा है अच्छा सा। बारिश तो बस वो हल्की सी जो रिमझिम हुई थी बस वो ही हुई थी, अदरवाइज़ ये है कि वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो बस अभी यह है कि मज़ीद मुझे कुछ काम नहीं है, और मैं चलूँगी जनाब अब घर की तरफ। अच्छा जनाब, तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या जो है वो लेके आई थी मेट्रो से। मैंने ये अपने लिए जो है वो शू बाय किया, जो कि है तो ऑब्वियसली विंटर्स के लिए, और इंशाल्लाह अभी एक दो महीने में विंटर स्टार्ट हो जाएगा। बट बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई थी, और मुझे जो है वो मेट्रो के शूज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये बहुत कम्फर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल में जो है ना रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बहुत अच्छा जो है अभी ये मुझे मिल गया अच्छी प्राइस पे, और आप लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी जो है उनकी ऑनलाइन भी ज़ाहिर सेल लगी हुई होगी, नहीं तो आप लोग स्टोर्स पे जाके और इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। कुछ जो है वो लाइमलाइट से लिया, और उसके बाद सईद गनी से मैं आपको दिखाती हूँ जो हम मैंने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करे फ्रेंड के गिफ्ट के लिए, उनका बर्थडे है तो इस वजह से, तो हमने कहा कि उनको कुछ पर्सनल केयर में से जो है वो देते हैं।
मैंने यहाँ से बाय किया ये इनका रेटिनॉल का नाइट सीरम। और सही देने की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ऑर्गेनिक होती हैं ये, और इतने सालों से ये चल रहा है तो काफ़ी अच्छी इनकी जो है वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको कोई नुकसान वगैरह नहीं होता। इसी तरीके से मैं इनका हेलरॉनिक एसिड का फेस वॉश अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी काफ़ी इसके मैंने अच्छे रिव्यूज़ जो है वो सुने, ये लिया। और इनके इतर इनकी फ्रेगनेंसेस तो वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है और मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी डेफिनेटली करते होंगे। तो ये मैंने उदय हाशिम जो है वो फ्रेगनेंस में जो है वो लिया, और साथ ही जो है वो मैंने यहाँ से बाय किया था ये सनब्लॉक, ठीक है। और तो ये पर्सनल केयर में से हो गया, इसके साथ कुछ चीज़ें मिला के और हम जो है वो गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह अपनी फ्रेंड को। और उसके बाद ये कि इसके साथ जो है वो हम जिस दिन इंशाल्लाह उनका बर्थडे है हम केक भी लेके जाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक सूट जो है वो रिसीव हुआ है, ये मैंने ऑर्डर किया था, ये देखें हैंडवर्क का ये है, ये सेम जहाँ से मैं हैंडवर्क के ड्रेसेस जो है वो लेती हूँ आजकल, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो लगाई हुई हैं, सेल्स लगाई हुई हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखें तो जो है वो ये आप लोग देखें कि ये फुल जो है वो मरोड़ी वर्क इसके ऊपर जो है वो हुआ हुआ है, हैंडवर्क सारा हुआ हुआ है। और ये लॉन का प्रिंटेड फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी जो है वो ये लॉन है, और इसके ऊपर जो है वो सारा मरोड़ी वर्क जो है वो हुआ हुआ है, ये देखें। तो ये टू पीस सूट है, मुझे बहुत अच्छी प्राइस पर ये मिल गया क्योंकि इस पर भी जो है वो सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि सेल में क्यों ना जो है वो इसको अवेल किया जाए, एकदम आंखों को भाया यू नो। तो ये ट्राउज़र शर्ट था, और आप इसको डेफिनेटली मैं इसको जो है वो पिंक दुपट्टे के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, या वाइट दुपट्टे के साथ जिस पर मैं सिल्वर कलर की किनारी लगवाऊँ तो उसके साथ भी ये बहुत प्यारा लगेगा। और बैन कॉलर के साथ ऑलरेडी ये बना हुआ था तो मैंने कहा कि क्या ही बात है। तो ये अभी अभी जो है वो थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुआ था, मैंने कहा चलें शॉपिंग डे है, शॉपिंग ब्लॉग है तो ये भी आप लोगों को दिखाएं कि बेशक ये मैंने घर पे मंगवाया है बट ऑब्वियसली ये भी जो है वो शॉपिंग है। तो कैसा लगा मुझे ये बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। जब भी बारिश का मौसम हो रहा होता है ना तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है कोई ऐसी चटपटी सी चीज़ खाने का, पकौड़े खाने का और इस तरीके से ना, लेकिन वाई एवरी टाइम फ्राइड। अब हर वक्त जो है वो फ्राइड भी अच्छा नहीं है ना, मतलब लाइक हमारे लिए, तो क्यों ना इस तरीके से हम जो है वो पकौड़े की तरह ही जाहिर है, बस हम लोग जो है वो बेसन की रोटी इस तरीके से बना लें कम ऑयल में, ठीक है। अभी क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि ये टूट रही है, लग क्या रहा है वाकई टूट रही है, बट इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगी। और टूट भी रही है तो कोई बात नहीं, हमने तोड़ के ही खानी है, ऐसी क्या बात है, बट हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके ना तो प्रेस कर लेते हैं। तो ये जो है ना बहुत दिल कर रहा था क्योंकि मौसम ऐसा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो इस तरीके से कम ऑयल में छोटी छोटी सी पकौड़े की रोटियाँ टाइप हम बना लेते हैं। अच्छा सा मैंने इसमें मसाला ऐड कर लिया था, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, साबित धनिया, नमक, मिर्ची, ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया था ताकि जो है ना ये अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें, और हम जो है वो इसको दोनों तरफ से सेक लें बहुत अच्छे तरीके से ताकि हमारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में ज़बरदस्त किस्म की जो रोटी है वो पक जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा टमी भी फुल हो जाएगा, ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, ये डीप फ्राइड नहीं है, ठीक है। और हमारी वो जो है ना बारिश में कुछ चटपटा और ऐसा कुछ खाने की वो वाली क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी, तो बेसिकली ऑल इन वन हो जाएगा। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएँ, अगर आपको केचप बहुत पसंद है तो आप उसके साथ खाएं, नहीं तो मेरा बेस्ट मशवरा लें, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करें, ये बहुत मज़े की लगती है। और वैसे ही यही अच्छी होती है, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, अगर कुछ ना भी हो तो आप उसके साथ भी इसको ले सकते हो। तो मैंने कहा कि चलें अभी बस मैं व्लॉग एंड ही करने लगी थी, अपना वाइंड अप करने लगी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं एक्चुअली ये भी जो है वो कर रही थी, और आप लोग भी जो है ना वो इस तरीके से कर सकते हो, ये बहुत इजीली अपने साइड्स जो है वो छोड़ देगी, ठीक है। और जब ये अपने साइड्स छोड़े ना तो ही आप इसको फ्लिप करें, ज़बरदस्ती ना करें, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएं ताकि जो है ना अच्छे से ये कुक हो जाए।
तो ये लीजिए जनाब, बन गई ना ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी सी रोटी और कुरकुरी सी और मज़ेदार सी चटपटी सी, जिससे जो है वो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और खा के जो है ना वो गिल्ट भी नहीं होगा कि हमने कोई गलत चीज़ खा ली है। बेसन तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, इवन इफ़ यू आर ऑन डाइट आप बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।